Welcome children, once again everybody present here, and as you know that we have already started the chapter, the third very important chapter of history, Nazism and the Rise of Hitler. Nazism and the Rise of Hitler. Then first of all we have to have a clear cut idea about the name of the chapter and what does it mean, then we will proceed further. Nazism refers to a structure of ideas which was spread by the Nazi party, whose head was the Hitler. Nazism एक विचारधाराओं का संरचना है जिसमें जिसको कि नाजी पार्टी के द्वारा फैलाया गया, और नाजी पार्टी को मतलब हेड जो था वो हिटलर था, और ये सब वहाँ किया गया क्योंकि हिटलर जर्मनी को एक सुपर पावर बनाना चाहता था, तो उसके लिए वो जर्मनी को एक विशेष तरह से देश बनाना चाहता था, और इसके लिए वो चाहता था कि सबसे पहले ये देश जो है वो केवल आर्य लोगों के लिए ही रहे, आर्य नस्ल के लोग ही देश में बसे, वो भी मजबूत लोग बसे, और जर्मनी को ज़मीन की कमी है इसलिए उसे ज़्यादा ज़मीन चाहिए, और ज़्यादा ज़मीन रिसोर्स के लिए उसे युद्ध में जाना पड़ेगा, और जो सभी लोग हैं नाजी पार्टी के वो जर्मनी हिटलर को मतलब एक देशभक्त मानेंगे, हिटलर के प्रति वफादार रहेंगे, और दूसरे नस्ल को लोगों को यहाँ बसने की इजाज़त नहीं रहेगी। तो ये सब बहुत तरह से विचारधाराएँ थी ये नाजी पार्टी की, उसी को हम लोग नाजिस्म कहते हैं, और ये नाजी पार्टी के द्वारा इसलिए फैलाया गया क्योंकि हिटलर जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की जो हार हुई थी और उसके अपमान का वो मतलब एक तरह से एलाइड पावर से बदला लेना चाहता था, जर्मनी को एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहता था, जर्मनी को वर्ल्ड के नक्शे पर एक सुप्रीम पावर बनाना चाहता था, तो उसको देश को एक नए ढंग से निर्माण करना था, जिसके लिए उसने वहाँ नाजी की तरह विचारधारा को फैलाया। एंड राइज ऑफ हिटलर का मतलब हुआ कि हिटलर कैसे पावर में आया, शक्ति में आया। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो हिटलर उस समय सैनिक था, लेकिन उसने देखा था कि एलाइड पावर से किस तरह से जर्मनी वाले ग्रुप की हार होती है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार दो ग्रुप के बीच में हुआ था। फर्स्ट ग्रुप का नाम था एलाइड पावर, जिसमें कि यूके थे मतलब ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस और तीसरा रसिया, और जर्मनी के ग्रुप में थे जर्मनी था, ऑस्ट्रिया एम्पायर था और तुर्की था, तो तीन राष्ट्र इधर थे तीन राष्ट्र उधर थे। लेकिन 1917 में एलाइड पावर की तरफ से अमेरिका भी शामिल हो गया, और अमेरिका जब शामिल हुआ तो एलाइड पावर की शक्ति बढ़ गई और अंततः जर्मनी हार गया। अब जब जर्मनी हार गया तो एलाइड पावर ने सोचा कि ये युद्ध तो जर्मनी के चलते हुआ है, इस युद्ध में इतना नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई कौन करेगा, और फिर जर्मनी को इस तरह से कमज़ोर राष्ट्र बना दिया जाए कि फिर जर्मनी आगे फिर युद्ध करने की कोशिश ना करे, तो इसीलिए जर्मनी के साथ एलाइड पावर लोगों ने एक ट्रीटी की जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्साय, और इस ट्रीटी ऑफ वर्साय में जर्मनी को बहुत क्षति हुई थी, बहुत हानि हुई थी। तो ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय से ही हिटलर देख रहा था, और फिर बाद में वो नाजी पार्टी बनाकर फिर सत्ता पर आकर फिर देश को मजबूत बनाकर उसको सेकेंड वर्ल्ड वार में ले गया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जर्मनी की हार हो गई। तो अब इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि किस तरह से जो जर्मनी था वो सत्ता में आया, जर्मनी में हिटलर सत्ता में आया, और किस तरह से नाजी विचारधाराओं को फैलाया, और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही उसने जर्मनी को एक विशेष नस्ल के आधार पर देश बनाना चाहता था, केवल आर्य लोगों के लिए बनाना चाहता था, तो उसने दूसरे नस्ल के लोगों को उसने कत्लेआम भी किया। अब ये सब हम लोग चैप्टर में आके गए। कंटेंट ऑफ द चैप्टर, कंटेंट मैंने इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, ये वाइमर रिपब्लिक क्या है, ट्रीटी ऑफ वर्साय, ट्रीटी ऑफ वर्साय क्या है, वर्साय की संधि क्या है, उसमें क्या क्या मुख्य बातें थी, इफेक्ट ऑफ वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ तो उसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर जर्मनी पर प्रभाव उसका पड़ने के बाद फिर वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, फिर ईयर ऑफ डिप्रेशन मतलब आर्थिक मंदी वहाँ आई, आर्थिक मंदी किस तरह से आई उसका क्या प्रभाव पड़ा, फिर वाइमर रिपब्लिक जो बना फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वहाँ के राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी जर्मनी को, और फिर वहाँ पर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी थी जिसको वाइमर में बनी थी, इसलिए इसका नाम वाइमर रिपब्लिक पड़ता है। तो उसमें कुछ कमियाँ थी, दो कमियाँ थी, एक तो कमी ये थी कि उसमें कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था, कोई पार्टी मजबूत नहीं रहती थी, जब मजबूत ही नहीं रहेगी तो देश पर अच्छी ढंग से शासन नहीं कर पाती थी, और एक था संविधान में 948 आर्टिकल मनुष्य लोगों ने बनाया था, ये 48 आर्टिकल मतलब था प्रेसिडेंट को इतना पावर देता था कि अगर कभी भी मतलब वो चाहे तो सभी सारे देश के अंदर के सिविल राइट्स को समाप्त कर दे, डेमोक्रेसी को समाप्त कर दे, पावर को अपने कंट्रोल में ले ले। तो ये कुछ कमियाँ थी।
और इसी कमियों के बीच में हिटलर पावर में आया। फिर जर्मनी में जब हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर कैसे सत्ता में आता है जर्मनी के, फिर जैसे ही वो सत्ता में आता है तो वहाँ डेमोक्रेसी समाप्त कर देता है, विशेष पुलिस फोर्स का निर्माण करता है, फिर वहाँ जर्मनी का वो नॉर्म निर्माण करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट फुल प्रोडक्शन की बात करता है, जर्मनी में फिर कल कारखाने शुरू कर देता है, मास स्केल पर प्रोडक्शन करता है, हथियार बनाता है, क्योंकि वो तो जर्मनी को सुपर पावर बनाना चाहता था। फिर वो नाजी विचारधारा को फैलाता है हिटलर वहाँ पर, फिर रेसियल यूटोपिया, नस्ल के आधार पर देश में मतलब नरसंहार करता है, कहता है कि मतलब जर्मनी जो है वो केवल आर्य लोगों के लिए ही रहेगा, ज्यूज लोग, जिप्सी लोग, पोलैंड के लोगों को मास स्केल पर किलिंग किया जाता है, और ये सब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो ये सब चुपके चुपके जर्मनी में हिटलर कर रहा था, लेकिन ये सब बात पता चला बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। यूथ इन नाजी जर्मनी, मतलब नवयुवक जर्मनी में नवयुवक किस तरह के होने चाहिए, उसके बारे में भी विचारधारा था हिटलर का एक विशेष। जर्मनी में माता का पोजीशन क्या होना चाहिए, जितने भी मदर्स हैं, बच्चे जो मतलब जननी हैं, माता हैं, वो मजबूत बच्चे ही पैदा करेंगी, वो क्योंकि हिटलर को मजबूत बच्चे चाहिए, कमज़ोर बीमार बच्चे नहीं चाहिए थे। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, तो ये जो नाजी पार्टी थी ये बहुत प्रोपेगेंडा भी करती थी, बहुत प्रचार करती थी, बहुत रैलियां करती थी बड़ी बड़ी, तो ये सब लोगों को प्रभावित करने के लिए कि भाई अब जर्मनी का नवनिर्माण हिटलर ही कर सकता है, हिटलर तुम्हारे लिए मसीहा है, हिटलर से ही देश जो है आगे बढ़ेगा, इस तरह के वो उसकी मतलब प्रोपेगेंडा होते रहता था। और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये जो मतलब 60 लाख ज्यूज को, 10 लाख पोलैंड के लोगों को, 60,000 जर्मन लोगों को मारा गया, तो ये सब मारा गया उनको स्पेशल जगह पर जिसको ऑस्टविच कहते हैं, गैस चैम्बर होते थे, कंसंट्रेशन कैंप होते थे, घेटो कहते हैं, वहाँ पर ले जाकर लोगों को लार्ज स्केल पर मारा जाता था। तो बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, इसके बारे में पता चला, तो फिर कहा गया कि भाई ये तो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो मानव के अगेंस्ट में ही क्राइम था। तो ये सब होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट माने नरक संहार, तो होलोकॉस्ट के बारे में जानकारी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, हिटलर अपने कुछ विश्वस्त लोगों के साथ बंकर में बर्लिन में अपना गोली मार लिया, क्योंकि एलाइड पावर की सेना वहाँ पहुँच चुकी थी, रशियन आर्मी वहाँ पहुँच चुकी थी बर्लिन में, तो हिटलर उनके पकड़ में नहीं आया, पहले ही आत्महत्या कर लिया। तो ये सब जो बातें हैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट बातें हैं। वैसे इंट्रोडक्शन में कहता है, दिस लेसन एक्सप्लेन्स द राइज ऑफ हिटलर एंड हिज आर्ट प्रोपेगेंडा, द एरियाज ऑन विच ही कंसंट्रेटेड टू मेक जर्मनी ए वर्ल्ड पावर। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली हिटलर कैसे सत्ता में आता है, फिर वो कैसे नाजिज्म विचारधारा को फैलाता है, और कैसे जर्मनी को सुपर पावर बनाता चाहता है, और फिर उसको वर्ल्ड वार सेकेंड में ले जाता है, यही सब बातें इस चैप्टर में पढ़नी है। नाजिज्म देखिए, ये नाजी पार्टी की रैली है, वहाँ विशेष सैल्यूट ले रहा है हिटलर, ये सब इन लोगों का इस तरह से होता था प्रोपोगेंडा। बैकग्राउंड, इस चैप्टर की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से होती है, उसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि 1945 में एक 11 ईयर ओल्ड बॉय जो है, हेलमुट नाम है बच्चा का, वो अपने बिछावन पर सोया हुआ है, और उसके फादर जो हैं उसकी मतलब माँ से बात कर रहे हैं कि क्या मुझे गोली मार लेनी चाहिए या सारे परिवार के लोगों को गोली मार लेनी चाहिए। अब हेलमुट ये बात सुनता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि ये बात क्यों हो रही है, ऐसी बात क्यों हो रही है, और नेक्स्ट डे वो सभी लोगों को गार्डन में घुमाने उसके पिताजी ले जाते हैं, वहाँ संगीत भी खिलाते हैं, टॉफी भी खिलाते हैं, लास्ट में अपने आप को गोली मार लेते हैं। बाद में हेलमुट को पता चलता है उसके पिताजी नाजी थे, और नाजी पार्टी ने बहुत देश में एट्रोसिटी की थी, नाजी पार्टी का हेड हिटलर था, अब तो हिटलर सेकेंड वर्ल्ड में हार चुका था, तो अब उन्हें डर था कि एलाइड्स फोर्सेस जो हैं, अब जितने भी नाजी लोग बचे हुए उनको खोज खोज कर चुन चुन कर उनको मतलब पकड़ेगी, जेल में डालेगी, टॉर्चर करेगी, इससे बढ़िया है पहले ही गोली मार लिया जाए, तो इसलिए उनके पिताजी ने गोली मार ली थी। नाजिज्म इज ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स हुज लीडर वाज एडॉल्फ हिटलर। तो विश्व परिदृश्य पर किस तरह से जर्मनी का मतलब राजनीति होना चाहिए, जर्मनी का पोजीशन क्या होना चाहिए, इसी को लेकर हिटलर ने नाजिज्म को फैलाया था, और इसका हेड हिटलर था। तो अब हम देखते हैं द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक क्या है, और इसका मतलब जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ, ये हम लोग इसको सेकेंड वीडियो में देखेंगे।